तो सीन कुछ ये है कि भाई इस व्लॉग में ना मैं सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस देने वाली हूँ आप लोगों को। तो गाइस आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा व्लॉग वॉच करना है, ठीक है गाइस। गेट लॉक हो गया, हम लोग थंबनेल बनाने बाहर आए थे, गेट लॉक हो गया। देख रहे किचन का हाल क्या किया मैंने बनाने के बाद, आप सिर्फ हाल देखो किचन का। दो जो सालन थे ना वो क्या था, करेले बनाए थे और टिक्का, वो तो ख़त्म हो गया था, बस ये वाइट कढ़ाई हमारी बची थी इतनी, तो ये खा रहे हैं और साथ साथ सेवन अप एंजॉय कर रहे हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस देने वाली हूँ आप लोगों को। तो गाइस आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा व्लॉग वॉच करना है, ठीक है। आज जो है ना दूसरा दिन है, नानी की तबीयत ख़राब हुए और आपको जैसा कि पता है कि गेस्ट का आना जाना इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं व्लॉगिंग करूं। तो गाइज़ आज जो है ना मैंने एक डिसीज़न लिया, एक फ़ैसला किया है कि भाई आज से ना मैं जो है घर के कुछ हालात फाइनेंशियली स्टेबल की वजह से मैं आज एक आप लोगों से डील कर रही हूं कि भाई मैं जो है ना आज से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूं। तो आप लोगों से इल्तिजा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, क्योंकि ये एक फैमिली कॉन्टेंट है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए इससे हेल्प भी हो जाएगी। एंड सेकंड चीज़ ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, मेरी वीडियोस को वॉच टाइम दिलवाएं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि भाई बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कमेंट्स में, पढ़ती हूँ आप लोगों की, ये बात नहीं कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है कि आप जो है ना इस वीडियो के नीचे जितने ज़्यादा आपके माइंड में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो सब इस वीडियो के नीचे आप लोग कर दें। मैं इंशाल्लाह रिसेंटली आने वाली वीडियोज़ में आप सबके क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ, और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो जितने भी आपके जहन में जवाब सवाल है ना वो आप सवाल इस कमेंट सेक्शन में भर दें। तो आने वाली वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह मैं आप सबका वीडियो में नाम लेकर कॉमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। एंड सेकेंड चीज़ ये कि मुझे कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप मैं जो है ना डेली ब्लॉगर बन रही हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं जब दो दिन स्किप कर करके डालती हूँ व्लॉग्स तो मुझे खुद अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कितना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं एक दिन स्किप करती हूँ, दो दिन स्किप करती हूँ, तो ये डेली ब्लॉगिंग का जो डिसीजन है ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ मेरे साथ होगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेली कॉन्टेंट दूँगी। बट डेली कॉन्टेंट के लिए मुझे आइडियाज़ सही होंगे जो कि आप कॉमेंट सेक्शन में देने वाले हैं मुझे। तो इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स से और आप लोग जो बोलेंगे इंशाल्लाह मैं वही चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी व्लॉगिंग के थ्रू। जो आप खाना बोलेंगे, जैसा आप खाना बोलेंगे, मैं बाहर भी जाऊँगी टेस्टिंग के लिए, रिव्यूज़ के लिए। तो आप लोग कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोज़ में सबके नाम लेकर कॉमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। एंड जो रेसिपी मैं शेयर करूँगी तो वो मैं कॉमेंट्स के थ्रू ही करूँगी, कि आप लोगों का नाम बताऊँगी कि भाई इस बंदे ने मुझे ये कहा है। तो लाजमी कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को गिव अवेज भी मिलने वाले, तो गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना। गिव अवे में बहुत सारी मैं जो मेरे व्यूअर्स शुरू से देखते आ रहे हैं मैं उन लोगों के लिए गिव अवे भी लगाऊंगी। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, और जितने भी आप लोगों के अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब कॉमेंट्स कर दें ताकि मैं रीड करूँ एंड उस पर वीडियोज़ बनाऊँ। तो आप लोग ये काम करना मत भूलिएगा, जो चाहता है कि भाई हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं कराची की लड़की और कराची की लड़की के फैमिली को लेकर वो सब क्लियर हो जाए, तो आप लोगों ने इस कमेंट सेक्शन मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर देना है। मैं वैसे ही पुरानी वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हुए आ रही हूँ, तो इंशाल्लाह उन सबके भी रिप्लाई करेंगे। और आज जो मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ उसमें भी जितने भी कमेंट्स होंगे मैं सबके रिप्लाई देने वाली हूँ इंशाल्लाह हमारी आगे आने वाली वीडियोस में। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अच्छा जी, थर्ड चीज़ ये कि इस व्लॉग का तो स्टार्ट लेना ही है, मैंने तो आपको बग कर दी है, लेकिन इस व्लॉग का भी स्टार्ट लेना है। तो अभी जो है ना मेहमानों का सिलसिला आना जाना लगा हुआ, तो भाई बिना टाइम वेस्ट के हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। ठीक है, अभी हम चलते हैं किचन में और मुझे थंबनेल्स वगैरह बनाने हैं और कुछ खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि हमारे मेहमान आ रहे हैं। तो खाना वगैरह तो बिल्कुल रेडी है, बस हम लोगों ने जूस वगैरह की तैयारी करनी है। तो चलते हैं, आप लोगों को मिलते हैं किचन की तरफ जाके। ठीक है, चलिए चलते हैं और ये व्लॉग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। गाइस गेट लॉक हो गया, हम लोग थंबनेल बनाने बाहर आए थे, गेट लॉक हो गया, चेक करें अभी क्या हो रहा है। मैकेनिक बन गई, हाथ दिलाना क्या हुआ प्रापी, एक मिनट, सबर सबर
पहली बार कोई काम हो रहा है अपने लिए। यार गेट लॉक हो गया, क्या कर सकते हैं। खोलो यार। पंचायत है ये भी यार, रुको चुप कर ना। फिर लो और हम बाहर ही फंस गए। गाइस नानी नानी हॉस्पिटल से आई है, उसके बाद हमें खाना वाना खाया। मेहमान मेहमान माशाल्लाह इतने मेहमान आ चुके कल से अब तक इतने ज़्यादा। और अभी जो है ना हमारी फूफो आई है, उनके लिए मिल्क शेक बना रहे हैं। एप्पल चेक करें, चेक करें आप बस। तो अभी जो है ना इसके अंदर ऐड करेंगे कुमैल, कुमैल चेक करें। हम जो है ना मेहमानों को ना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि ये मेहमान जो होते हैं ना अल्लाह की तरफ से आए हुए होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेहमान अपना रिस्क खुद लाते हैं, तो देख बस, बस स्पेशल ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट चेक करें आप लोग, देखें ये ट्रीटमेंट चेक करें आप, इधर भी चट रहा है। तो मेरी फूफो जो है ना शुगर फ्री खाती है ना, तो मतलब खाना वगैरह जूस वगैरह शुगर फ्री पीती हैं, तो मैंने शुगर फ्री बनाया, मैंने चखा ये लो तो बस अच्छा। ये देखो ये देखो, मतलब बनाने से ज़्यादा ना हमने फैलाया। ये देखो सेब, ये देखो एक ग्लास जिसमें हमने करना है, और ये जग देख रहे हो, ये जो है ना विदाउट शुगर मतलब शुगर फ्री है। यहाँ देख रहे हो कबाड़ा, देख रहे हो आप लोग सब। तो यहाँ सेब का जूस रेडी हो चुका है देख लो, और ये शुगर फ्री है। हम मतलब फूफो को देने जा रहे हैं, ये मुझे चखाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जब पिया ना मुझे उल्टी आ रही, भाई कैसे लोग शुगर फ्री पी लेते हैं, कैसे खा लेते सब चीज़ें। तो उसको निकालते ग्लास में और फिर देते सर्व करते मेहमानों को। और फिर हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी, मतलब एक ग्लास निकाल के ना हमने दूसरे ग्लासों में ना चीनी ऐड करनी। चलो दिखाओ, ये देखो छोड़ो छोड़ो, इसको हमने मिलाया कब तक, मिला तो लिया नहीं ना, काम ऊपर हाथ रखो ऐसा। हाँ चलो निकालो गैस, गिलास दिखाओ पूरा लाट के। आहा देख रहा, आहा देख रहा, ये है हमारा सेब का लाट। दिखाओ कुमार, अब इसके ऊपर जाना मुझे डालना है कुमार, कितना कुमार मिलता है गैस देख। हाय 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 हाय। तो भाई ये सारा हमने मेहमानों के लिए रेडी किया, अब जो बच्चा है ना वो बच्चों के लिए रेडी करना, बच्चों को देना है। इसके अंदर चीनी ऐड करनी है हमने, और फिर चीनी डाल के बच्चों को देनी है, समझ रहे हो ना बात को। चलो जल्दी सर्व कर देना वरना मेहमान भाग जाएंगे इतनी देर में। तो चीनी वाला, तो भाई अब चीनी वाला बना दे, इसको चीनी वाला ऐड करते हैं, ठीक है। हम लोग तो बगैर चीनी के नहीं पी सकते ना, समझ रहे हो ना। बस सब बता देते हैं प्रोसेस इसके अंदर क्या करते, देखें बर्फ तो है नहीं इसके अंदर, ये तो पानी डाल दिए तो अभी होगा मिक्स। चटका ना जरा, और दाल चीनी चीनी भूली नहीं, पिलाओ जरा। किचन का हाल क्या किया मैंने बनाने के बाद, आप सब हाल देखो किचन का, देख रहे हो। मैं पकाती नहीं हूँ फैलाती हूँ, गाइस हम मेहमान नहीं दिखा सकते, बहुत मुश्किल है दिखाना ना। तो अब आगे जो सीन्स हैं हम आपको दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हाँ तो भाई गाइस हमारे घर पे जो मेहमान आए थे ना वो चले गए हैं खाना पीना करके, ठीक है। अब जो बारी है ना हमारे खाने की, क्योंकि हमने खाना खाना है। तो अभी जो है ना पापा 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 मम्मा खाना खा रहे हैं, देखो अम्मा के दर्द हो रहा है क्योंकि मम्मा ने आज बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, मीन्स इतनी सारी रोटियां पकाई, इतना सारे खाने पकाए, और आपको पता है कि भाई आसान नहीं है ये सब करना एक साथ। तो अभी जो है ना मैंने कहा भाई रिफ्रेशमेंट कर लेते, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी लेते। तो अब हम आप फ्रिज में आ गए, और यहाँ से अपनी कोल्ड ड्रिंक डालते, छुपा के रखी हुई थी मैंने, देखो ये देते हैं। ये हमारी जो है ना एनर्जी ड्रिंक है, जो हम डाल के जो है ना पीने वाले हैं ग्लास में, और इंशाल्लाह क्योंकि अब रात का टाइम हो गया, आपको पता है कि रात के खाने के बाद तो सोना ही होता है। तो अब जल्दी जल्दी हम खाना खाते हैं, दोपहर के बाद इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉग बना दी, क्योंकि मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। तो अब ये रात का खाना है, और मम्मा इंतजार करती है कि कब कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, ग्लास लेके बैठी हुई है। तो बस अब खाने के बाद जो ना हम एंडिंग करेंगे ब्लॉग को, बस इतना ही सता आज का। तो भाई पहले कोल्ड ड्रिंक निकाल लेते फिर एंड करते हैं।
पापा खोलो जरा इसको, मुझे भी दे दो ये आवाज़ सुनना चाहती हूँ मैं बस। लो बाकी मुझे दे दो केन वाली, केन वाली मेरी है भाई। हाँ मम्मा एक गुड मिल लिया। मम्मा देखो इतनी से बचाई है, और डाल लो दो जो सालन थे ना वो क्या था, करेले बनाए थे और टिक्का, वो तो खत्म हो गया था, बस ये वाइट कढ़ाई हमारी बची थी इतनी, तो ये खा रहे हैं और साथ साथ सेवन अप एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई गाइस आज का जो ब्लॉग था वो यही था कि भाई नानी की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से हमने इतना खाना वगैरह बनाया और मेहमान का आना जाना लगा हुआ था, हमने सफाई भी की, आपको सफाई कितनी टेंशन थी तो हमने सफाई भी कर ली इस व्लॉग में, ठीक है खाना भी बना लिया इस व्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो भाई फाइनली आपको इतनी जल्दी व्लॉग मिल रहा है तो एक्साइटमेंट तो होगी कि भाई इतने सारे व्लॉग एक साथ मिल रहे हैं, आप लोगों को खुशी तो हो रही होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और इंशाल्लाह न्यू रेसिपीज़ के साथ मिलता रहेगा आपको। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ मुझे बहुत सारा ख्याल रखो, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।